पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संदेश खली में ईडी टीम को निशाना बनाया गया था। इसके बाद अब एनआईए पर हमले की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसी एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार एनआईए टीम शनिवार को जांच के लिए गई थी। आरोप है कि जांचकर्ताओं की कार में तोड़फोड़ की गई। एनआईए ने दावा किया कि दो व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाते समय उन पर हमला किया गया था। एनआईए के अधिकारी इलाके में हुए विस्फोट की जांच के लिए भूपति नगर गए थे। यहां से जब एनआईए की टीम दो लोगों को पकड़कर ले जा रही थी, आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। इस हमले में एनआईए के दो अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने कहा है कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर के थाने के भगवानपुर दो ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नरबली गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच करने जाने पर एनआईए पर यह हमला हुआ है।